नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शेखर, सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैच 2020, और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सिलेक्शन मेंटर पर, जहां पर हम आप सभी के साथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैनेजर के लिए इंटरव्यू की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। और आज हमारा 7th वीडियो है, और मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि 6th वीडियो में कि आज की वीडियो में मैं जनरल कैडर के फंक्शन को लेकर के डिस्कशन करूंगा। बट उस डिस्कशन में जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करना चाहता हूँ, जो खुद हमारे एक क्वालिफाइड कैंडिडेट ने मुझसे पर्सनली पूछा। हालांकि उसने अपनी स्टोरी बताई है, बट उसकी स्टोरी के बेसिस पे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है? वो एग्जांपल जरा समझो आप। मान लो कोई एक कैंडिडेट है, उसने किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, इवन उसने फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, मान लो मास्टर्स भी किया, एंड ये भी पता चला कि अब उसके अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यहाँ पे कैडर था, जैसे कुछ स्पेशल कैडर हैं, टेक्निकल कैडर है, अकाउंट कैडर है, इवन जो आपका जूनियर इंजीनियर में जितने भी कैडर हैं, ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो उसने सब्जेक्ट रिलेटेड कैडर से अप्लाई ना करके उसने जनरल या डिपोर्ट कैडर से अप्लाई कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपको इंटरव्यू के पैनल में जो मेम्बर्स हैं वो पूछेंगे कि भाई जरा एक बात बताओ, आपने इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन भी किया है, मास्टर्स भी किया है, या चलो ग्रेजुएशन ही किया है, तो आपका जो खुद का सब्जेक्ट का जो कैडर था भाई, आपने वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई किया? आपने जनरल या रिपोर्ट कैडर से क्यों अप्लाई कर दिया? क्या आपका इंटेंशन था? मैंने कुछ तो सोचा होगा ना कि हाँ भाई, मैं क्यों इस जनरल या रिपोर्ट कैडर में आ रहा हूँ जबकि ऑलरेडी मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कैडर है वो अवेलेबल है। तो आपको सीधा एक्सप्लेन ये करना है, बड़ा ध्यान से सुनो। पहले आपको बोलना है कि सर, जब मैंने इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरा डिसीज़न उस समय केवल और केवल हायर स्टडीज़ करना था, जॉब करने का मेरा बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं था। दूसरी बात, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया और जब मैं फाइनल ईयर तक आया, तो मुझे ये कम्प्लीटली रियलाइज़ हो गया कि अब इस सब्जेक्ट में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो करियर ग्रोथ है, वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, एंड जो भी थोड़े बहुत बची हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो इतने कॉम्पिटिशन टफ हैं कि मैं उसको शायद कम्पीट भी ना कर पाऊँ वहाँ पर। तो इसलिए मैं क्या हो गया कि मैं फेड अप हो गया, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गया उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में। तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं इस सब्जेक्ट से अप्लाई कर दूँ, जो FCI की कैडर है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो अगर मेरा सिलेक्शन भी हो जाए तो क्या मैं उस जॉब को ढंग से निभा पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा जब ऑलरेडी इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, मुझे वहाँ उस सब्जेक्ट के किसी भी नॉलेज से मतलब ही नहीं रहा, मैंने जैसे तैसे करके बस डिग्री ले लिया क्योंकि मेरा डिग्री लेना इम्पॉर्टेंट था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही ज़ीरो हो गया। तो मान लो अगर मैं वहाँ पे ज्वाइन भी कर लूँ उस कैडर में, तो क्या मैं ढंग से या प्रॉपरली वहाँ पे काम को कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं उस कैडर में अप्लाई ना करके जनरल या डिपोर्ट कैडर से अप्लाई करूं। बात समझ में आ गया? एंड लास्ट में ये बोल देना है आपको कि सर, ये मेरा खुद का डिसीज़न था, ठीक है, और क्या रीज़न था इसके पीछे मैंने वो आपको बोल दिया, बट फाइनली ये मेरा खुद का डिसीज़न था कि यस, मैं उस कैडर से अप्लाई ना करूं, मैं जनरल या डिपोर्ट कैडर से अप्लाई करूं। एंड जैसे ही वो सुनेंगे कि हाँ चलो, ये आपका डिसीज़न था, ये आपके खुद का डिसीज़न था, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वो समझ लेंगे ठीक है, चलो यार, रीज़न तो इसने बता दिया। तो अब मैं बात करता हूँ जनरल कैडर के फंक्शन के बारे में। आसान सा स्टेटमेंट आप बोल सकते हो जनरल कैडर के बारे में कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वो कैडर, जो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हैंडल करता है, या दूसरे शब्दों में एक ऐसा कैडर जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मल्टीपर्पस वर्क के लिए अपॉइंट किया जाता है, दैट इज जनरल कैडर, ठीक है? उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर, उस प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत ही बहुत सारे काम आते हैं, जैसे लीगल सेक्शन, कोई कोर्ट केस चल रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के किसी ना किसी मैटर को रिलेटेड, ठीक है, मैटर से रिलेटेड कोई ना कोई केस चल रहा है कोर्ट में, वो लीगल सेक्शन भी कौन देखेगा? जनरल कैडर का मैनेजर, ठीक है? यहाँ तक कि जो कोऑर्डिनेशन सेक्शन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, उसको भी कौन देखेगा? जनरल कैडर वाला। जो अभी हम लोगों की नई रिक्रूटमेंट आई, उसका भी देखभाल कौन किया? जो रिक्रूटमेंट जो पर्सनल सेक्शन के अंतर्गत आती है, वो पर्सनल सेक्शन भी सुपरवाइज कौन करता है? जनरल कैडर।
गोडाउन में या FCI के ऑफिस में जो लेबर होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए जो लेबर सेक्शन बनाया जाता है, वो लेबर सेक्शन भी कौन हैंडल करता है? जनरल कैडर वाला ही हैंडल करता है। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टोरेज है, स्टोरेज सेक्शन है, उस स्टोरेज सेक्शन का भी सुपरविजन कौन करता है? जनरल कैडर वाला करता है। ठीक है, जो बिजनेस वर्क है, बिजनेस वर्क मतलब जो कमर्शियल पर्पस वर्क है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कि भैया इतने दिनों में आपको कुछ बनाना है या कुछ करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो डील करेगा, ठीक है, उस सेक्शन को जो संभालेगा, कौन संभालेगा? वो जनरल कैडर वाला ही संभालेगा। ठीक है, और यहाँ तक कि जैसे एक डिविजनल ऑफिस होता है, मतलब जैसे आपकी अलॉटमेंट आएगी तो अलॉटमेंट में आपको रीजनल ऑफिस का नाम लिखा होगा। रीजनल ऑफिस यानी एक स्टेट का नाम, उसके कैपिटल में उसका वो मेन ऑफिस होगा, रीजनल ऑफिस। फिर उस रीजनल ऑफिस में जैसे आप रिपोर्ट करोगे तो फिर आपको डिविजनल ऑफिस मिलेगा यानी DO। और उस डिविजनल ऑफिस में अलग अलग माने दो तीन डिस्ट्रिक्ट होते ही हैं, हर डिवीजन में दो तीन डिस्ट्रिक्ट आता ही आता है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में कितना ग्रेन्स देना है, कितना प्रोक्योरमेंट करवाना है, कितना माल देना है, नहीं देना है, ये भी कौन डिटरमाइन करता है? ये सब कुछ जनरल कैडर वाले ही करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो कैडर जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मल्टीपर्पज जॉब के लिए अपॉइंट किया जाए, दैट इज जनरल कैडर, या आसान भाषा में या आसान शब्दों में कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभाले वो है जनरल कैडर। ठीक है, तो यही था जनरल कैडर का फंक्शन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इन डिटेल पूछा नहीं जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, प्लीज़ उनको आप शेयर कीजिए। सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।